अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। चाक पे, दामन पे डोरी पाइपिंग आजकल फैशन में है, इसलिए आप कमीज़ को की चाक को प्रेस करके निशान लगा लें। चाक को जहाँ हमने पक्का किया हुआ वहाँ से प्रेस करके जहाँ जितने फासले पे आपने मोड़ना होता है उसी फासले पे आपने डोरी पाइपिंग लगानी होती है। ऐसे चाक की सिलाई पे रखें मशीन। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर रखें और डोरी पाइपिंग का सीधा हिस्सा ऊपर रखें। ये देखें, ये सीधा हिस्सा है, इसको आप ऊपर रखें। मशीन का पैर चेंज कर लें। एक साइड का पैर बाजार में आसानी मिलता है, आप ये पैर लगा लें और इससे आसानी से डोरी पाइपिंग लग सकती है। डोरी की बिल्कुल साइड साइड में आप सिलाई लगाएं। ऐसे देखें, कोना कोना बिठाने का आसान तरीका ये है। नीचे उतार लें और फिर इसको ऐसे मोड़ें। ऐसे ये हमारा नीचे घेरे का कोना बन गया। इसी तरह दूसरा कोना बना लें। दो बार मैं आपको कोना बनाना बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ऐसे फोल्ड करके ऐसे जितना आपने मोड़ना है ये कोना बन गया। ये देखें, यहीं पे आप जहाँ उस चाक से शुरू किया और इस चाक पे आप ख़त्म कर लें, डोरी पाइपिंग को काट लें। इसी तरह दूसरा चाक शुरू, चाक और दामन की डोरी पाइपिंग इकट्ठे ही एक ही सिलाई से लगती है। अब इसे फोल्ड करके प्रेस कर लें और नीचे आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें, अगर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें। वैसे तुरपाई ज़्यादा बेहतर लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत आसानी से ये डोरी पाइपिंग इनर जो भी आप लगाना चाहें लग सकता है। कोना भी आपको लगाना बता दिया। अगर तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लें, तुरपाई ज़्यादा बेहतर रहती है। अगर सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकती हैं, कोने पे भी एक सिलाई लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में दिए गए बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।